आपका नाम? प्रियंका बौद्ध। प्रियंका बौद्ध, प्रियंका बौद्ध जी, आप सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है आपने? जो हमारा बौद्ध धर्म जो हमने स्वीकार किया हुआ उसमें ये बताया गया कि हम जो बौद्ध लोग होते हैं वो एकदम शालीनता में रहते हैं, एकदम कि उनका कोई दिखावा नहीं है, सादगी है। और जो सफ़ेद वस्त्र है ये सादगी का प्रतीक है, इस वजह से हम सब सादगी में आते हैं। आपका नाम? पूजा बौद्ध। तेज बोलो। पूजा बौद्ध। पूजा बौद्ध, आप बौद्ध भी है और शांत बोल रही है पूजा। तो पूजा जी, आप ये सफेद साड़ी क्यों पहन के आई हैं आप? आपका नाम? राजकुमारी बौद्ध। राजकुमारी बौद्ध। बौद्ध, लेकिन तुम अभी भी देश आजाद हुए, बाबा साहब का संविधान तुमने पढ़ा है, महिलाओं को इतने अधिकार दिए हैं, लेकिन अब भी घर में तुम्हें सताया जाता है क्या? मम्मी पापा कुछ कहते हैं क्या? नहीं। फिर तुम तेज क्यों नहीं बोल रही हो? ये सफेद साड़ी बन के क्यों आई हो आप? क्योंकि हमारी बौद्धों की पहचान है। बौद्धों की पहचान है, कितना अच्छा शब्द बताया कि बौद्धों की पहचान सफेद साड़ी पहनना जी। तो आप बौद्ध धर्म में जो बताया जाता है कि उसका कुछ पालन करती हो जी? ये आप बर्ती बर्ती भी रहते हैं जी? नहीं। शिवरात्रि पे जी? नहीं, नहीं रहते। तो ये आपकी शिक्षा किसने दी? माँ बाप ने दी? हमला कैसे या आपको पढ़ने से मिला? नहीं, बाबा साहब ने। बाबा साहब ने दी थी कि आपको व्रत नहीं रखना है और आपको इस तरीके के हिंदू रीति रिवाज के कोई भी कार्यक्रम नहीं मनाने हैं जी।